प्रथम तहलका न्यूज। आम जनता के सब्र का बांध जब टूट जाता है तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही देखने को मिलती है। पंचकुला के अंतर्गत पड़ते मोरनी के ग्रामीणों ने हरियाणा वन विभाग के मंत्री का काफिला ही घेर लिया। दरअसल इस क्षेत्र के ग्रामीण वन विभाग की बेरुखी से नाराज थे। ग्रामीणों का आरोप है कि मोरनी के थापली क्षेत्र में वन विभाग नाजायज ही लोगों के चालान काट रहा है। ग्रामीण लोगों की शिकायत है कि उनके गांव को जोड़ने वाले जंगली रास्तों की हालात खस्ता है और यदि वे लोग इन रास्तों को खुद ही ठीक करते हैं तो वन विभाग आरक्षित क्षेत्र से छेड़छाड़ करने का हवाला देकर लोगों के चालान ही काट देता है। हमारे ग्राम पंचायत थापली में जैसी प्रॉब्लम है ऐसी पूरी 14 भोज कुटाए में इंद्र, हमारे जो रास्ते हैं सारे अभी वन भूमि की जमीन से होके जाते हैं, जो कि जब वन विभाग ने भूमि अधिग्रहण की थी तो उसमें सारे रास्ते हमारे छोड़े गए थे, पर लेकिन वन विभाग की सेटलमेंट ना होने के कारण ये ज़बरदस्ती करके हमारे चालान काटे जा रहे हैं, जिसकी मुसीबत एक पंचायत को नहीं है सभी 14 भोज कुटाए को है। इसका समाधान मंत्री, हरियाणा सरकार और इनके अधिकारी कर सकते हैं, पर लेकिन ये कोई भी कहीं भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं, एक के बाद दो के बाद तीन ये चालान काटे जा रहे हैं और आज इसके इसमें मंत्री जी आए थे जिन्होंने रिकमेंड करा है कि इसका सलूशन निकाला जाए। गांव की महिलाएं भी वन मंत्री के काफिले के आगे खड़ी हो गई और बिना अपनी समस्या मंत्री को सुनाए काफिले को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। वन मंत्री हालांकि ग्रामीणों को व्यवस्था दुरुस्त करवाने का भरोसा देकर वापस लौट गए, लेकिन गांव के लोगों का अभी भी यही कहना है कि सुधार ना होने तक सरकार के प्रति उनका रोष ऐसे ही बना रहेगा। इन अभी देखते हैं इन्होंने जो इनके अधिकारी हैं पीसीसी वगैरह या इनकी लगाई है, देखते हैं सोल्यूशन निकलता है तो ठीक है, नहीं चाहे फॉरेस्ट है या कोई हरियाणा सरकार है, अब इन्हें इनकी बदकिस्मती कहें या फिर प्रशासन और सरकार की लापरवाही। अनेक बार सरकार तो बदल जाती है लेकिन इनकी समस्याएं जस की तस ही बनी रहती है। अब मंत्री जी ने आश्वासन तो दे दिया लेकिन क्या इनकी समस्या का कोई समाधान हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। प्रथम तहलका के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।